सभी अपने अपने लैपटॉप का ढक्कन बंद कर लें, ये अनिवार्य है, ये ठीक नहीं है। इससे हमारा भी मजा खराब होगा और पड़ोस वाले का भी। टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल पाई और बहुत टाइम टेकिंग भी था, तो इवन हमने इसके सबटाइटल जरूर बना लिए हिंदी में।
बाद में उसके सबटाइटल होंगे हिंदी में, तो वो हमने पिछले 3-4 दिनों में मिलकर ये कोशिश की है उसको ट्रांसलेट किया है पूरा डॉक्यूमेंट्री को, तो हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और जो भी यहाँ जैसा टॉपिक आएगा उसको रोक के उस पर डिस्कशन होगा। सेकेंड चीज़ में हो सकता है टीचर भी हमें ज्वाइन करेंगे जो स्कूल के बाद आएंगे, और अभी ब्लॉक से भी कुछ साथ आ रहे हैं तो 10-15 मिनट में उन लोग भी पहुँच जाएंगे कुछ और लोग ब्लॉक से आ रहे हैं, तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। और मैं एक दो चीज़ें बस रखना चाहूँगा इसमें बीच में कि हम सब ने समय निकाला है आज का ना, एक दिन का बहुत सबके अपने अपने एंगेजमेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एंगेजमेंट है सबके, तो सभी के अपना टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम आए हैं तो 100% इसमें मेंटली रहे, ठीक है। हम सब लोग आपस में समझदार हैं, हमें पता है कि क्या करना है, कब क्या बोल रहे हैं और किन किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, जैसा भी है वो सब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी बात जरूर रखें, मन में जो भी आ रहा है वो सही है कि गलत है उसे हमें नहीं सोचना है, लेकिन हमारा जो भी अनुभव है अपने एनवायरनमेंट को लेकर, अपने गाँव उत्तराखंड को इस टॉपिक को लेकर बहुत सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर हमारे बहुत एग्जाम्पल मिल सकती है, तो सब अपनी अपनी बात जरूर रखें। हम परिचय शुरू करते हैं आपसे, हेलो नमस्कार, मैं महेंद्र हूँ और मैं प्रोजेक्ट अक्षय टीवी प्रोग्राम में यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं द यूनियन इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज से हूँ और पिछले 3 साल से यहाँ पे उधमसिंह नगर में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम संदीप है और मैं श्री गुरु नानक स्कूल में पढ़ता हूँ, वैसा मैं ट्रांसफर किया गया है, तो मैं कुछ यहाँ डिस्कशन के लिए आया हूँ। साथियों, परसों मुझे जितेंद्र जी ने फोन किया कि आप इसमें आ सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजीव प्रेम जी के इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने का मौका मिला, तो मैं जितेंद्र जी का आभार शुक्रिया अदा करता हूँ। और पता नहीं क्यों उस दिन से मुझे लग रहा था कि मेरी पार्टिसिपेशन भागीदारी होना चाहिए और मैं कुछ स्लीप हूँ, तो कल परसों में बहुत ज़्यादा बिजी था, रात में 10 बजे फ्री हुआ तो कुछ स्लीप नहीं पाया, लेकिन आज के मॉर्निंग मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, तो मैं आपके सामने कुछ लाइनें हैं जो मैंने अभी सुबह सुबह 8 बजे लिखा है, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पृथ्वी के है बहुमूल्य उपहार, पृथ्वी के है ये बहुमूल्य उपहार, जल अग्नि वायु धरती और आकाश, बिन इनके हम सब है बेकार, पांच ज जिनकी महत्ता है पृथ्वी पर, जल जंगल जमीन जानवर और जल, जिनको कर दिए जल ने प्रदूषित और बेकार बर्बाद, जल जिसका मुख्य स्रोत है वर्षा, जंगल को काटकर दूर कर दी है जानवरों को और बसा दी है अपनी क्रॉकेट की दुनिया, पृथ्वी के इस काल को छेड़कर जल ने कर दी है विनाश की शुरुआत, कहीं प्रलयकारी चक्रवात तो कहीं केदारनाथ का विहंगम दृश्य, समझना होगा और समझाना भी होगा, पृथ्वी को बचाना होगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। ये दो लोग स्वैच्छिक रूप से ही यहाँ भागीदार करने के लिए आए हैं और ये हमारी लाइब्रेरी से निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं, तो वहीं से हमें पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम है और इन्होंने यहाँ आने की इच्छा जताई। तो अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, तो डिस्कशन के स्टार्टिंग के लिए हमने ये हमारा आज का कार्यक्रम रहेगा जैसे हमने रखा है, और हमने कुछ सवाल रखे हैं डिस्कशन के शुरुआत के लिए, तो सभी लोग एक बार ये सवालों पे गौर करें कि पिछले कुछ सालों में हॉलैंड की ब्लैक टर्न चिड़िया की प्रजाति लगभग विलुप्त सी हो गई है, इसका मतलब ये है कि हॉलैंड में एक चिड़िया रहती है छोटी सी जिसका नाम है ब्लैक टर्न, और पिछले कुछ सालों में इसकी प्रजाति लगभग समाप्त हो गई है। समाप्त ये इसलिए हो गई है कि जब इसके अंडों से इसके बच्चे निकलते थे उसी टाइम में खेतों में कैटरपिलर भी आते थे उसी समय में, तो ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए कैटरपिलर पकड़ के लाती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी और इसी रूप में इनका जीवन चक्र चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि गर्मी ज्यादा होने लगी अपेक्षाकृत, और गर्मी ज्यादा होने की वजह से फसल जल्दी पकने लगी जिसकी वजह से कैटरपिलर गर्मी ज्यादा होने की वजह से कैटरपिलर जल्दी तितली बनके उड़ने लगे, तो अब
जो ब्लैक टेल चिड़िया है उसके पास ऑप्शन नहीं है अपने बच्चों को बुलाने के लिए कैटरपिलर को लेकर आने का, क्योंकि कैटरपिलर गर्मी जल्दी बढ़ने की वजह से पहले ही अपने बच्चों को पहले ही तितली बनके उड़ जाते थे, तो इस वजह से उसके लिए भोजन वो चक्र टूट गया इनका और इस वजह से इसकी जाति लुप्त होती गई। दूसरा है कि बहुद्वीपीय देश किरीबाती में पहला जलवायु प्रवास, एक बहुत छोटा छोटा सा बहुद्वीपीय देश है किरीबाती का, पापुआ न्यू गिनी हमने देखा है, थाईलैंड और उसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऊपर, वहाँ पे एक देश है किरीबाती, किरीबाती में बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, मतलब 400-500 द्वीपों को मिला के एक देश बनाए किरीबाती। तो किरीबाती में क्या हो रहा है कि सागर का जो जल स्तर में वृद्धि हो रही है उस जल स्तर की वृद्धि की वजह से वहाँ की जमीन धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही है, क्योंकि वहाँ जो उच्चतम शिखर है वो भी लगभग 10-20 मीटर का ही है, उससे ज़्यादा ऊँची जमीन वहाँ पर नहीं है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसकी बहुत सारी खेती की जमीन उसमें लीन होती जा रही है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने अमेरिका में आके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया से ये आग्रह किया कि हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमारी ज़मीन तो समुद्र में जा रही है, तो मेरे को और मेरी जनता को रहने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। तो उनके बगल में जो देश है दूसरा पापुआ न्यू गिनी, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको कहा है कि वो उनके लोगों को अपने यहाँ बसाएंगे। तो ये माइग्रेशन होगा और ये पहला जलवायु माइग्रेशन होगा, अभी तक युद्ध की वजह से, बीमारी की वजह से, सामाजिक वजह से, आर्थिक वजह से माइग्रेशन होते आए हैं, लेकिन क्लाइमेट की वजह से ये पहला माइग्रेशन होगा अपने आप का। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका में इस बार की अक्टूबर की सर्दियों ने पिछले 70 सालों की रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बार अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा हो सर्दियों में तो बहुत सारे जलप्रपात का भी फोटो आया था कि वहाँ इतनी ठंड पड़ गई कि झंडे भी गिरते हुए अपने आप में जम गए, और ऐसी रिपोर्ट पिछले 70 सालों में पहली बार वहाँ पड़ी है, और पहले पड़ा करती थी और वो भी जनवरी में आया करती थी, लेकिन इस बार ये ठंड जो देखी गई वो अक्टूबर में देखी गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो ठंड जनवरी में आनी चाहिए थी और जनवरी नहीं भी आती थी वो 70 लगभग 100 साल पहले आई थी उस तरह की ठंड जनवरी में, और वो अचानक से इतनी तेज ठंड आ गई, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं जिसकी तरफ यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो इसका क्या इंटरलिंकेज था आपस में, तो रिपोर्ट तो वहाँ पर ठंड पड़ी। चौथा क्वेश्चन है कि 1958 से अब तक अंटार्कटिका का औसत तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, कि जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे दक्षिण ध्रुव पे जो है वहाँ का तापमान तकरीबन पिछले 60 सालों में 2.4 सेल्सियस बढ़ गया है, और आप देखिए कि बर्फ के जमने और पिघलने में सिर्फ 1 डिग्री का फर्क होता है, मतलब वो 0 डिग्री पे जम जाती है और अगर आप 1 डिग्री पे उसको टेम्परेचर देखें तो थोड़ा उसका जैसे फ्रिज में बर्फ जमी हुई है जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे तो उसका पिघलना शुरू हो जाएगा, तो कितनी देर में पिघलेगी ये अलग होता है, जैसे आपने टेम्परेचर में अल्ट्रा सा चेंज किया वो पिघलना शुरू किया, लेकिन हमने तो पिछले 60 सालों में उसका 2.4 डिग्री तक चेंज हो गया है टेम्परेचर, तो वहाँ के हालात क्या रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के परिणाम स्वरूप भी पृथ्वी पर जीवन संभव है, एक तरफ हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन सब चीज़ों का कारण नहीं समझते, लेकिन दूसरी तरफ हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पृथ्वी पे जीवन का उसी के फलस्वरूप पृथ्वी पे जीवन पड़ता है, यानी जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी गैलेक्सी हैं, जितना भी ब्रह्मांड है अभी तक जितना हमें ज्ञात है, सिर्फ पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और भी बहुत सारे रीजन हैं लेकिन मुख्य रीजन ये है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो पाया, संभव हो पाया, इसी वजह से हमारा जीवन यहाँ पे संभव है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है इस तरह के बच्चों, तो अब हम लोग इनसे जुड़े अपने अनुभव या अपनी बातें या इनसे जुड़े हुए अपने अपने विचार हैं, इनसे सहमत हैं कि असहमत हैं, कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, तो कोई भी शुरू कर सकता है। इन पांचों सवालों में आपको क्या लगता है, आप क्या देखते हैं, क्या जानना चाहते हैं? लास्ट सेंटेंस ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इफेक्ट होता है उसी की वजह से पूरे सौर मंडल में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हम नहीं जी। आप अपने अब बातचीत शुरू करते हैं।
विलुप्त होता है तो कुछ और उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कुछ का विलुप्त हो जाना और कुछ की उत्पत्ति हो जाना, तो ये आज का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको देखा जाए तो क्या है उसका पूरा चक्र मुझे दिखाई देता है। आप ये कहना चाहिए कि विलुप्ति और उत्पत्ति जो है वो नेचुरली है, इसका ये कहते हैं कि वो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होता ही आया है हमेशा। जवाब देना चाहेगा और
जवाब अगर चलता रहा तो
मुझे लगता नहीं कि ये वो डिस्कशन कहलाएगा जो हम करना चाहते हैं। बेहतर है कि वो उस सवाल के जवाब के रूप में हम सब अपने अपने विचार रख सकते हैं, तो उसके बाद में हम उसको वाइंड अप करेंगे। लेकिन जवाब देते वक्त एक नया सवाल खड़ा हो गया तो ठीक है, इसीलिए हम सवाल को लिख रहे हैं ताकि सवाल ना छूटे। और ये मेरा आप लोगों से वादा है कि जाने से पहले, इस सेशन को खत्म करने से पहले, इनमें से एक भी सवाल अधूरा नहीं रहेगा। हम एक भी सवाल को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जिन सवालों के जवाब हमारे डिस्कशन में आ जाएंगे मच बेटर है, जिनके नहीं आएंगे उन पर हम अंतिम में फिर बहस करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन का सेंस ही ये है कि फ्लो जिस तरफ, हाँ कुछ क्राइटेरिया है इसके, लेकिन सेशन जिस तरफ फ्लो होगा तो उसे होने देना चाहिए। मतलब मैं उसको रेंडमली चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसको आप फिक्स कर दें या उसका टाइम फिक्स कर दें। तो आपका सवाल वो मैं नहीं रखा है उसको, उस पर हम बात करेंगे और वो ऑलरेडी सेशन में था भी। तो यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि जो हमने सब पॉइंट लिखे यहाँ पर लिखे हुए पॉइंट, तो कहीं ना ये कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन से ही सारे ताल्लुक रखते हैं। तो मेरी उत्तराखंड आकर जो समझ बनी है, मतलब हर व्यक्ति की वो अपने आसपास कैसे इन चेंजेस को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, वो विचार भी लाने जरूरी है। अगर वो नहीं ला पाएंगे तो फिर, क्योंकि क्या होता है कि मेरा क्वेश्चन और मुझे आंसर मिल गया लेकिन मेरे आसपास जो घटित हो रहा है वो मैं आपके साथ कैसे कर पा रहा हूँ, वो आपका सुझाव बिल्कुल है। तो अब हम आगे कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट उसी तरह से जाए, हम उसको नकार नहीं रहे। बांस के पेड़, बांस का जंगल या बांस के पेड़, बांस
बताया भाई उसको भी तो जाके ठीक है। और देवदार का, देवदार की पेंटिंग हम सबसे देखें तो हम जो टेक्निकल चीजों में नहीं जाते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं, हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि जब हम चीड़ के जंगल में थे या चीड़ के पेड़ों के आसपास थे और जब हम बांस के पेड़ों के आसपास थे और जब हम देवदार के पेड़ों के आसपास थे, क्या हमने कुछ महसूस किया? मतलब अगर हम सिर्फ अपनी फीलिंग की बात करें तो जब मैं चीड़ के जंगल में होता हूँ जहाँ पे 10-15 चीड़ के पेड़ है या ज्यादा है, वहां जब मैं खड़ा हूँ या चल रहा हूँ या घूम रहा हूँ या इवन मेरी गाड़ी गुजर रही है वहां से ना, और इसके विपरीत अगर मैं देवदार के जंगल से गुजर रहा हूँ क्या वो थोड़ा सा है, या मैं बांस के जंगल से गुजर रहा हूँ तो क्या वो फीलिंग में अंतर होता है? अगर आप लोगों ने क्रॉस किए होंगे कभी और थोड़ा महसूस किया होगा तो क्या आप लोगों ने फीलिंग को महसूस किया है? आप अगर हार बंद करके चले, मेरा इतना मानना है कि अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे और आपकी आंखें बंद है क्योंकि ज्यादातर जंगल चीड़ का होता है, और अगर आपकी आंखें बंद है और आपकी गाड़ी अगर चीड़ के जंगल से गुजर रही है और बांस के जंगल से गुजर रही है और देवदार के जंगल से गुजर रही है, आपको फर्क महसूस होगा बिना पेड़ को देखे नहीं विंडो भी देखो। हाँ मतलब विंडो खराब है जैसे कि एयर पास है जैसे मतलब देखने के लिए विंडो नहीं, हाँ हवा के लिए विंडो सही है तो हमें फील होगा। वो फील क्या है, वो एक्जेक्टली वो फील क्या है, मुझे वही बात है जो अच्छी नहीं कहना चाह रहे थे कि हमें अपने आप ही अंदर समझ में आता है। चीड़ का जो पेड़ है वो हमारा नहीं है, वो ना तो भारत की प्रजाति है ना ही वो नेचुरली हमारे पहाड़ों में होने वाली वनस्पति है, वो यहाँ था ही नहीं, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेलवे जो रेलवे का स्लीपिंग जो बनता था पहले दोनों पटरियों के बीच में जो स्लीपर्स बनाए जाते थे जो आजकल सीमेंट के बनते हैं, अंग्रेज उन स्लीपर्स को बनाने के लिए चीड़ का पेड़ लेके आए थे क्योंकि लकड़ी में बड़े होता है वो बिना कुछ तो नहीं खाता है, वो काफी सालों तक रहती है और वाटर प्रूफ होती है, वो बस उसी के लिए वो लोग लेके आए थे, लेकिन स्लीपर तो सीमेंट के बनने लग गए और वो इतना एलियंट्रिक रूप से फैलने लग गया है कि हमारा भी कंट्रोल नहीं रहा है। और इसके 3-4 स्टेजेस होते हैं। अगर अपना जब मैं फसल पहाड़ों में गया था मैंने कुछ फील को महसूस किया, उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई के बारे में ना तो मुझे ये समझ आया कि ये 2-3 स्टेप लेंगे कि पहले चीड़ का जंगल फैलेगा वो बांस को मार देगा। अभी तो उत्तर की लड़ाई पहाड़ में जो चल रही है तो चीड़ और बांस की लड़ाई चल रही है, चीड़ धीरे धीरे उस चीज को खत्म कर रहा है, चीड़ धीरे 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 बांस के जंगलों को खत्म कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो चीड़ का जंगल आएगा स्वाभाविक है। आप कीड़ के जंगल में कभी जाएंगे वहां पर कीड़ की नीचे उसकी पत्तियां दिखती हैं, आपको एक हरी पत्ती एक घास का तिनका नहीं मिलेगा आपको हरे रंग का, तो आप सोचिए कितना खतरनाक पेड़ होगा। तो उन सब चीजों में फर्क पड़ता है, इसीलिए उस चीज में बताऊँ फिर आगे गई आगे के बाद फिर चीज होगा फिर दूसरे बार आगे गई उसके बाद जमीन बंजर हो जाएगी। तो आपने पहाड़ों में अगर आप मान लीजिए कि रीची जगह है नानी देती तरफ से जैसे आपने गोवा एरिया देखा हो या आपने घाटी तरफ जाते हैं उधर वाला इसलिए बांग्लादेश में सफिशियंट अमाउंट ऑफ सैंड नहीं जा पा रहा है
तो प्रमाणित सामान की इंडिया कंटिन्यू दिस देयर इज अ ज्यादा वो नेगेटिव तो है ना इसकी तो मैं बोलूं कि इसमें बहुत सारा डायमेंशन हो सकता है बहुत सारा डायमेंशन मगर इसी में दिक्कत है जैसे कि सूरत बोल रहे थे ग्लोबल वार्मिंग का सब ऑलवेज था ग्लोबल वार्मिंग ऑलवेज था या ग्लोबल वार्मिंग हिस्ट्री में बहुत बार फ्रिक्वेंटली आया है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग राइट तो इन दो जगह को हमको सेपरेट के देखना है और ये तो आइस वाला मामला है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है आपने जो कूलिंग वाला मामला है कूलर ड्रॉप करने का बात था ये भी इंटरेस्टिंग मगर एक जगह में इसका हमको रुकना चाहिए तो डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए ना मुझे मालूम है यहाँ का डिस्कशन कि ये सवाल है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल फेनोमेना है सो उत्तराखंड में हेवी रेन होता है तो भी ग्लोबल वार्मिंग बिहार में सोन के ऊपर से डैम को जो ह्यूमन एरर है ह्यूमन एरर के लिए डैम के उसको गेट ये तो मुखी नदी के ऊपर जो डैम डैम था उस डैम को ह्यूमन एरर था उसके लिए इरेगुलर इम्प्रॉपर सीलिंग हुआ था इसलिए उसका बिना प्लान हो गया तो हमने बोला वो ग्लोबल वार्मिंग तो इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को डीलोकलाइज करते मेरा जो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के मेन थोड़ा नहीं होता तो इसमें पॉलिटिक्स हम लोग को थोड़ा देखना रेजोनेंस में आई थिंक 2005 से 14 तक का कुछ पेपर होगा जिसमें इन्होंने लिखा है रेजोनेंस में जो प्रकार है लैंड यूज पैटर्न जो है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जैसे कि हल्द्वानी में आप जाते हैं आप जो ठंडा महसूस करते हैं या मे रुद्रपुर से या जो गुजर रहा हो काठीपुर के जा रहे हो जा रहे हो कहाँ से 5 साल पहले में जैसे जाता था आपका तो गर्म लगता क्योंकि वो तीनों भी पॉइंट को वहीं से ही तो गर्म लगता मगर क्या मैं ये कोर्डिनेट कर पा रहा हूँ कि नया नया रास्ता बना नया कंक्रीट का जंगल बना तो ये तो लोकल इफेक्ट है लोकल लैंड यूज पैटर्न में इसका चेंज हो रहा है ना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोकल सरकार को चेंज करने मगर हमारा एक टेंडेंसी है हम उसको इवन ये पॉलिटिशियन के लिए आसान है हम उसको होते हैं ब्यूट ग्लोबल वार्मिंग तो हमको इससे बच के रहना जरूरी हो सकता तो मुझे लगता है हमारे इतना डिसीजन की ये बात आ जाए तो शायद हम इसको पूरा अच्छे से देख पाएंगे तो दूसरा एक है दूसरा नहीं कुछ पॉइंट हो गया तो बाकी शायद हम लोग ऐसे बात आगे बढ़ाते रहेंगे और एक चीज में शायद आप लोग ने ये बोल रहे थे ना कि हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ये सब मामला तो शायद इसको भी हम थोड़ा और गहराई से देखें ये जो बातचीत है इसमें टीका रिस्ट्रिक्शन को बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं लाइक अगर इन चीज़ों को गौरव ने बात उठाई कि हम एक ग्लोबल वार्मिंग का काम मुद्दे दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजन कितने हैं उसको भी अंडरस्टैंड करने का बहुत जरूरी है दूसरी की चीज की जितनी बात हुई उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि वेरी गुड फॉर अस्थमा पेशेंट तो उसका एक कारण जो जंगल के हिसाब से माइग्रेशन जो है वो बहुत उस तरह से हो रहा है अगर आप दिल्ली के आप काफ़ी लोग जो है आज की डेट में हिमाचल में उत्तराखंड में शिफ्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा आप देखें अगर ये जो ये चीज़ें जो अपना लैंड यूज था या जो हमारे ट्रेडिशनल जितना भी वो पेड़ पौधे थे जंगल थे उस समय भी प्रिजर्व किए जा रहे थे तो उस समय क्यों प्रिजर्व हो रहे थे और आज की डेट में क्यों नहीं हो पा रहे ये भी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है भले वो इकोनॉमिक फैक्टर्स ज़्यादा भावी हो रहे हैं या जिस तरह से भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसमें ऐसी बात नहीं है काफ़ी अगर आप ट्राइबल एरियाज में देखें तो पेशा करते पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1997 का एक
जो कि पंचायत को अधिकार देता है कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट अगर वहां पे जाता है तो पहले उनसे परमिशन लेके आपको काम करना है। ये आपको मतलब इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उनसे रिटर्न में पंचायत से लेके करना, लेकिन उसके क्या अलग से कारण हो रहे हैं, किस तरह से फिर भी प्राइवेट कंपनीज घुस के वहाँ पे काम कर रही है, माइनिंग का काम कर रही है, पेड़ पौधों का हनन कर रही है, तो ये और फैक्टर्स हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हर चीज का, हर पेड़ का चाहे ग्रास है उसका एक अपना ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो अगर बाढ़ के पेड़ लो तो दुधारू पशुओं के लिए वो बहुत बेहतरीन है, तो उससे भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन ये अवेयरनेस कहाँ पे। सिमिलरली लंडाना का अगर देखें तो अगरबत्ती बनाने में बहुत काम आता है, सिमिलरली कांग्रेस ग्रास इस तरह में काम आता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस कितनी है वो एक मुद्दा मेरे को नजर आता है। उससे जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ या इकोनॉमिक चीज़ों की तरफ जो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे को जो दिखता हुआ दिख रहा है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें दिखती हैं, तो उन चीज़ों पर मेरे को लगता है डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देवों ने भी सच में मैंने मुलाकात हो जाएगी आप लोगों से,
धन्यवाद आपका सर कि आप आए। हाँ तो आप ये थोड़ा मैटर को हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग वाला सिचुएशन है या आप आपका जो जो एयर का जो डिप्लीशन है या ऐसे तमाम सारे चीजें जो हम लोग सुनते हैं ये इसके तहत हमें लगता है कि कुछ प्रेशर तो एक इंटरनेशनल लेवल से लेके आपकी जो आज लोकल लेवल पे बैठे हुए हो वहां तक आता है। एक जैसे जिनीवा कन्वेंशन के नाम आपने सुने होंगे रिसेंटली दावोस में हुआ है, उसके पहले आपका जितने भी स्टॉकहोम वगैरह इसलिए ऐसे तमाम सारे जितने भी कॉन्वेंशन हुए हैं उन कॉन्वेंशन में यही बात बार बार ये आ रहा है मुद्दा कि साइंटिस्ट अपने प्रूफ पॉइंट के साथ है कि भाई इतना टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, फैक्ट से सामने रखा जा रहा है, इवेंट के सामने भी है, लेकिन मुद्दा फिर वही है कि करे कौन भरे कौन। अभी भी ये टक्सर अभी इस रिपोर्ट में आ चुका है कि जो भी आपके डेवलप्ड नेशन है वो कितना अपने कार्बन का जो कॉन्टेंट है उसको कितना चेक करेंगे और जो डेवलपिंग नेशन है उसमें कितना उनको उसके ऊपर आएंगे, मतलब एक बाइंग फैक्टर चलता है कि भाई आप कितना बाई करो मैं कितना बाई करूंगा और उसके लिए मुझे कितना बढ़ाना देना पड़ेगा। तो फाइनली ये ग्लोबल एक कहीं पे प्रॉफिट ग्लोबल बिजनेस वहां से लोकल नेशनल लेवल पे वहां पे जहां पे अश्विनी भाई ने भी कहा है वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, कहीं ना कहीं प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, नहीं तो जो ह्यूमन जो भी कर रहा है आज जो भी छेड़खानी कर रहा है वो इसलिए तो नहीं कर रहा होगा कि उसको मजा आ रहा है, उसको इसलिए आ रहा है कि किसी एक जगह पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको इसको डिप्रेशन करने में उसे कोई फायदा हो रहा है। तो बात इसमें आ रही है कि जब ग्लोबल प्रेशर से जब यूएस और ऐसे तमाम सारे जितने भी नेशन से वो बिल्डअप कर रहे कि भाई नहीं हम हमारे जो कार्बन एमिशन है उसको हम इतना नहीं कर पाएंगे, बाकी जितने कंट्रीज उसको करना पड़ेगा हम नहीं करेंगे, भाई हम अपना प्रगति के रस चक्के को इतना आसानी से बंद नहीं करने वाले जो भी हो जाए। तो वहां पे इंडिया जैसे प्रेशर बना रहा है कि नहीं आपको अगर करना है थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कर पाएंगे, तो ये सवाल वहां से शुरू होता है कि हम लोग जो मुद्दा इधर डील कर रहे हैं वो अपने लेवल पे शायद कुछ कर सकते हैं लेकिन उसकी जो स्केल है वो जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है एसएसए प्रोग्राम जो अभी हम लोग रन कर रहे हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट कोड के तहत आया है, तो वो कहीं से ड्रिवन हो रहा है, वो आया है इधर उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं। ऐसे ही आपके जितने भी कॉन्वेंशन है वो कहीं से सेट हुआ है यूएन लेवल पे, उसके एक स्क्रीन हमारे पास आया है जिसमें लास्ट डेट में हम बैठे हुए हम सिर्फ उसकी जो भरपाई है भरपाई वाला स्टेट में है कि हमें मिल रहा है कि नहीं ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है ये हो रहा है, तो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन शायद हो सकता है जिस वजह से बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन शायद हो सकता है, लेकिन जब तक एक ग्लोबल सिटीजन्स या ग्लोबल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या अपने देश के भी जो मंत्री हैं वगैरह हैं वो अगर जब तक इसको एक प्रॉफिट से बाहर नहीं सोचेंगे तो ये मैटर लोकल हल होने वाला मैटर नहीं है। ये तो ये मेरा वास्तविक मतलब मुझे जो लगता है मैं इसको ऐसे देखता हूँ। पानी बहुत जरूरी है, अगर पानी है
चर्चा हुई है और जो यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो जलवायु परिवर्तन जो है वो हो रहा है और उसकी गति को तेज करने में मानव का सबसे अहम रोल है, जो उसके साथ प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं वो एक हो रहा है। दूसरी चीज जो इन्होंने इंडेंजर्ड की बात किया, विलुप्तता की बात किया है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में एक रिवर है आमी रिवर, और उसी से जुड़ा हुए वाटर क्वालिटी को लेकर के शोध किया था, रिसर्च किया था, जिसमें वो रिवर ही इंडेंजर्ड रिवर के रूप में उसको घोषित किया गया है। और कारण उसका है कि तमाम फैक्ट्री हैं और जिनके कॉन्टेंट वाटर उसमें जा रहे हैं, तो उस पूरे जो उसका पूरा पारिस्थितिक तंत्र है उस नदी का, उसमें जितने जीव पाए जाते हैं जो भी धीरे धीरे वो सब विलुप्त हो जाएंगे। और कारण उसमें वो सारे कारण उसे देंगे कि आदमी अगर फैक्ट्री बना रहा है तो लोगों का रोजगार है, अपने स्वार्थ निजी स्वार्थ बस उस पूरे तंत्र को, पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर रहा है इंसान। तो मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल थोड़ा सा किया जा सकता है, अगर मानव चाहे तो धरती पर जो भी उसके पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। और मैं जहाँ तक ये जानकारी कि जलवायु परिवर्तन एक प्रोसेस है वो हो रहा है, उसकी गति को तेज करने उसकी अनियमितता में मानव का रोल रहता है। और बढ़िया आपने बताया इवेंट के बारे में। तो अभी देखिए जो हमारी बातचीत हुई इससे हमारे पास कुछ सवाल आए हैं जिन जिन पे हमें बात करना है अभी आगे। कुछ सवाल हमने और बना रखे हैं पहले से, एक बार मैं इन सवालों को रिपीट करता हूँ। क्या धरती पर वाकई जलवायु परिवर्तन हो रहा है? क्या धरती पर वाकई जलवायु परिवर्तन हो रहा है? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत में छेद यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है, उनमें क्या संबंध है आपस में? ये कुछ कुछ टर्म्स हम सुनते हैं ना, न्यूज़पेपर में देखते हैं, ब्लॉग्स में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, लोग बोलते हैं सब चीज, तो इनमें आपस में क्या संबंध है? पहला सवाल था कि क्या वाकई में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरा सवाल है इनमें आपस में क्या रिलेशन, तीसरा सवाल है कि इन सभी बातों का हमसे और हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो ठीक है हो तो रहा है लेकिन मुझसे क्या इम्पैक्ट है इसका, या ये बस अमेरिका में या कनाडा में या प्रैक्टिकल में हो रहा है, मुझे या मेरे परिवार को या मेरे समाज को मेरे आस पास मेरे पड़ोसी को क्या दिक्कत है, क्या कुछ दिक्कत है या बस नहीं होगा नहीं खत्म हो जाएगा आगे है उसमें, क्या हमारे आस पास भी कोई ऐसा परिवर्तन हमें दिखाई देता है? तो ये मोटे मोटे तीन क्वेश्चन हमने रखे हैं एग्जैक्टली जो इससे पहले थे वो ट्रिगर थे, वो इस तरह का डिस्कशन के लिए स्टार्ट।